बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख शुक्र है परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का। तो आप देख रहे हैं नौरीन किचन में मज़ेदार वाले खाने। आज क्या बन रहा है नौरीन किचन में? ज़बरदस्त जो चावल बनाए जा रहे हैं वो है सीधे वाले चावल। क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी? बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनेंगे। आपने चटनी के साथ खाना चाहें या रायते के साथ, सलाद के साथ, अचार के साथ, जैसे भी दिल करें आप इंजॉय करके खा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ना वो यहाँ पर रख दी हैं। यहाँ पर आलू जो ना जिस तरह से मैंने काट के रख दिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। कतलियाँ सी बनाएंगे, ऐसे मोटी मोटी सी, पतली नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने बना कर रख ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, चावल है जिसको मैंने भिगो के रख दिया था, और पानी थोड़ा सा मैंने रख दिया, थोड़ा सा नितार लिया था, ठीक है। ये है जी ऑयल, अगर आपका दिल करे ऑयल के साथ बनाएं, ना दिल करे तो घी के साथ इंजॉय करके बनाएं और खाएं, ठीक है जी। और यहाँ पर टमाटर मैंने ले लिया, इसमें टमाटर का होना बहुत ज़रूरी है, तो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। और प्याज मैंने ले लिया, एक दो तीन चार पाँच छोटे छोटे से ये प्याज हैं, तो वो मैंने ले लिया जी, ठीक है जी। और यहाँ पर हरा धनी, ये हरी मिर्चें, सॉरी हरा धनिया नहीं, हरी मिर्चें। और जो चीज़ें इसमें होंगी ऐड करेंगे हम और बनाते रहेंगे आपके सामने मज़ेदार वाले खाने। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें इसमें और भी ऐड होंगी तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी वीडियो बनाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा, कहीं पर मौज करें, यही ज़िंदगी। तो चलिए जी बराबर स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जीरे वाले चावल कैसे बनते हैं, ठीक है जी। चलते हैं किचन की तरफ और खचड़ पचड़ जितनी मेरी चीज़ें हैं ना ये निकाल लेते हैं। ये आ गई आपकी हल्दी, ये आ गई कुटी हुई मिर्चें, ये चीनी ये यार देती हूँ, ये जो ना साबुत मिर्चें, आ गया नमक, ये आ गया, ये नमक आ गया, और क्या था ये जी मेरा छोटा सा किचन। इसको आजकल जो ना सफाई करने वाली हूँ मैं, कचड़े कचड़े की चीज़ें बच्चों ने इधर तो रख दी हैं। अच्छा ये धनिया आ गया, ठीक है। और क्या आएगा इसमें? चले बस और कुछ नहीं आएगा। और हाँ ज़ीरा, ये रहा ज़बरदस्त, इसके साथ तो बनेगा ये। चले जी सबसे उमदा सबसे प्यारा जो है माशाल्लाह से इससे बनाएंगे हम। चले जी ये तो सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि ज़ीरे का ही हमने जो ना तड़का शड़का इसमें लगा के और फिर ये चावल तैयार करने हैं, ठीक है। बड़े मज़े का बनने वाला है, पूरी वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप देखिएगा, एक मस्तियाँ भी होंगी, बातें भी होंगी आप लोगों के साथ, ठीक है जी। और किचन के सारे काम भी होंगे और आपको दिखाते जाऊंगे, ठीक है जी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाना नहीं है, पूरी वीडियो मेरी वॉच करनी है, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर खाना बनाने की तरफ, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर देना जितना भी आपको पसंद है, ठीक है। बस इतना ही डाल देंगे, मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना मुझे पता है कि ना इसमें जो ना मेरा खाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ, यहाँ पर ज़ीरा भी रखा हुआ, सारी जितने मसाले हैं सारे मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये जो प्याज है, चूल्हे को थोड़ा सा मैं सिकड़ कर दूँगी, ये प्याज की कटिंग शटिंग करनी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम गुजर के गई हो, बड़ी बेवकूफ है तू। तो जनाब यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर देना जितना भी आपको पसंद है, ठीक है। बस इतना ही डाल देंगे, मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना मुझे पता है कि ना इसमें जो ना मेरा खाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ, यहाँ पर ज़ीरा भी रखा हुआ, सारी जितने मसाले हैं सारे मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये जो प्याज है, चूल्हे को थोड़ा सा मैं सिकड़ कर दूंगी, ये प्याज की कटिंग शटिंग करनी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले जी अपना प्याज ब्राउन हो चुके हैं और यहाँ पर हमें हल्के से मैंने जो है ना लाइट ब्राउन किए, ज़्यादा नहीं किए, ठीक है। ये टमाटर है ना यहाँ काटने की बजाय वहाँ काटती थी अच्छा ये अभी ज़ीरा है, ये ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रखवानी रही, ज़ीरा जब मैं लेकर आई थी ना तो मैंने साफ़ कर लिया था, ठीक है। और ये आ गया आपका अदरक लहसुन, थोड़ा सा वो डालूँगी इसमें। तो भूनना है हमने थोड़ा सा, बस भूनेंगे
अब ये टमाटर शमाटर जो है ना ये इसमें ऐड करेंगे काट के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक सबके घर में रहमतें बरकतें अता कर मेरे मालिक, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं कसम से देख रहे हैं ना आप लोग, बड़ी मेहनत होती है माशाल्लाह से। चले जी ये सब चीज़ें टमाटर शमाटर भी चले गए इसके अंदर, अब क्या इसमें जाएगा जी, ये साबुत मिर्चें 4 से 5 अदद, और ये आपके आ गया जी नमक, लून शून जिन्हों असी कहने हैं ये साबुत मिर्चें मैंने इधर रख दी है, साइड में रखती जाऊँगी क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ पता। चले जी यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, ये सारी कुटियाँ हुई मिर्चां, ये तो थोड़ा सा ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए ना, मज़े मज़े का चाहिए, क्रिस्पी कह रही हूँ मज़े मज़े का चाहिए जैसे चटपटा। तो यहाँ पर आ गई हल्दी, ये हल्दी भी इसमें डलेगी तो फिर अच्छे बनेंगे ठीक है, ये भून लेते हैं इसे। चले जी अब साथ ही हमने क्या ऐड करना है जी, आलू भी ऐड करेंगे ठीक है, आलू यहाँ पर मैंने धो के रख दिए थे, ये सारे आलू भी इसमें ऐड करेंगे ठीक है। चले अब पानी ऐड करेंगे इसमें, जग बिशक किधर गया हमारा, चले इसको सारे, ओह मेरा हाथ अभी जल जाता, चलो ये सबको कर देना है मिक्स, और फिर इसमें हमने क्या ऐड करना है जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आ जाए आप लोग आदि मिल के सारे घर खाना खाते हैं। चले जी यहाँ पर जो ना हमें ऐड करना है जी पानी, चले जी बॉल में लेकर आती हूँ पानी, ये सारा पानी हमने ऐड करना है ठीक है, और ये बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं ठीक है, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया इसमें, अब गलाने के लिए ना हमने इसको छोड़ देना ठीक है। चलो तो जनाब यहाँ पर जो ना सालन हो चुका है तैयार माशाल्लाह, यहाँ देखिए ये जो ना आलू भी डल चुके हैं ठीक है जी, अब हमने क्या ऐड करना है इसमें। अच्छा जी यहाँ पर जो ना मैंने अब क्या ऐड करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावल हैं ये ऐड करेंगे, आलू तो हो चुके हैं हमारे तैयार, और यहाँ देखिए चटनी बना रही हूँ मैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया ठीक है, ऐसे दिखा देती हूँ ठीक है ना, ये मेरी अम्मी बनाया करती थी चटनी, ये वो बना रही हूँ मैं साथ में, और बड़े मज़े की लगती है ये, जब आलू वाले चावल बनते हैं ना तो ख़ास ये चटनी हमारे यहाँ तो इसी के लिए बनती है, और इसी से ना हम ना खाना खाएँगे आज, और ये मेरे बच्चों के बड़ी फेवरेट है, जब ये नाम लेते हैं ना कि मेरी ना नानी अम्मी की जो बनाया करती थी वो मम्मा वो बनाते थे, तो मेरी अम्मी याद आ जाती है, मैं कहती हूँ हाँ वही बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरी अम्मी को बड़ी पसंद थी चटनी, पसंद अम्मी को क्या वो तो हमें भी बहुत पसंद थी, मैं जब ना स्कूल से आया करती थी ना तो हमारे घर में ना रोज़ डेली बनती थी ये चटनी, मेरे अब्बू को बहुत पसंद थी, तो अब्बू मेरे कहते थे कि ना भाई आज तो ना वही चटनी बना दो, तो आटे के साथ ही बस रोटी होती थी तो हम वही खा लिया करते थे, दही के साथ खा ली, और चावल होते थे साथ में, चलो भी चावल के साथ भी, मतलब हर चीज़ के साथ उन्होंने वो ना चटनी अच्छी लगती है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा ठीक है जी। तो अभी जो ना चावल जो हैं ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा ठीक है, और फिर जो है चावल हो जाएंगे हमारे तैयार ठीक है, एक हाथ से मेरा जो ना मोबाइल है, दूसरे हाथ से ना मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए हमारी जो ये कढ़ाई है इधर उधर हो रही है, तो चलो जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है और ये चावल बन जाते हैं मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ बन चुका है खाना, यहाँ देखें, और ये पुलाव भी हो गया है तैयार, ये चटनी भी हो गई है तैयार ठीक है जी। तो आज की रेसिपी जो थी वो ये ज़ीरे वाले चावल बनाए, बहुत टेस्टी बहुत मज़े के, आपको बहुत पसंद आएंगे, तो हर मौसम में ये चावल खाए जाते हैं, तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ ठीक है जी। नौरीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खाएं पिए मौज करें यही ज़िंदगी, कल फिर मिल जाएंगे नई रेसिपी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।